कल से सदन में जो गतिरोध का माहौल बना है उसके लिए विपक्ष की प्रतिपक्ष की हर धर्मिता जिम्मेदार है। कल सदन की कार्रवाई के दौरान एक माननीय सदस्य द्वारा अशोभनीय व्यवहार किया गया, आसन को चुनौती दी गई, आसन को आज्ञापित करने का प्रयास किया गया और अभद्रता के कारण आसन की तरफ से जो निर्णय दिया गया कि उनको वो सदन से बाहर चले जाएं, वो नहीं गए। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं सदन का, राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 292(3) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें निलंबित सदस्य से अपेक्षा की जाती है कि वो तुरंत सदन की सीमाओं से बाहर चले जाए। माननीय सदस्य ने उस आदेश की पालना नहीं की, अब तक नहीं की है और प्रतिपक्ष पूरा उनको संरक्षण दे रहा है। यह असंवैधानिक है और अशोभनीय है। यहाँ तक कि कल जब बलपूर्वक उस सदस्य को बाहर ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय उस सदस्य ने दो प्रहरियों को काटा है, जिसमें एक महिला भी है, एक महिला का हाथ काट दिया उन्होंने। शर्म आनी चाहिए थी उनको। ऐसे अभद्र व्यवहार करने वाले माननीय सदस्य को इस सदन का सदस्य रहने का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए माननीय सभापति महोदय इन सब के इस सारी प्रक्रिया से, इनके व्यवहार से दुखी होकर, आक्रोशित होकर मैं प्रस्ताव करता हूँ श्री मुकेश भाकर माननीय सदस्य को 6 माह के लिए निलंबित किया जाए। मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित किया जाता है। राष्ट्रगान।